तमाम सितारे ऐसे हैं जिन्हें सम्मान पूर्वक हमेशा ही अपने से छोटे सितारों का सिर्फ और सिर्फ प्यार मिला है, और उसी प्यार के बदौलत आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर तमाम बड़े फिल्म इंडस्ट्री, बड़े फिल्मी जगत में उनका नाम है। ऐसी ही एक्ट्रेस बॉलीवुड इंडस्ट्री की है रेखा, जिन्हें ना सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि साउथ सिनेमा जगत में भी सबसे ज्यादा चहेती एक्ट्रेसेस की गिनती में शुमार किया जाता है। रेखा ने बॉलीवुड में तो एक से बढ़कर एक फिल्में की। 70 और 80 के दशक में रेखा ने खूब काम किया, लेकिन वही रेखा उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौरान साउथ इंडस्ट्री में भी अपने काम से इस कदर तारीफ बटोरती थी, इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन आज के जमाने में भी रेखा की वही पहचान, वही जगह साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार है, और इससे जुड़ा हमारा ये शो हम लाए हैं आपके बीच। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, में आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये बेहद खास प्रोग्राम बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के खूबसूरत अंदाज को लेकर। जी हाँ, रेखा को लेकर हमारा ये खास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे रेखा के 64 साल के हस्बैंड यहाँ सामने आए, क्योंकि उस हस्बैंड ने, उस शख्स ने खुद ही रेखा को अपनी पत्नी कह दिया, और रेखा ही है उनकी पत्नी, ये उनका खुद का कहना है। ये बिल्कुल रीसेंट एक अवार्ड समारोह की बात है जहाँ रेखा के सपने के हस्बैंड आए सामने। रेखा एक सपनों की राजकुमारी कौन से एक्टर की जिंदगी में आज भी बनी हुई है, जानेंगे आप। तो इसके लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम के बेहद स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो। फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जहां हमेशा से ही चर्चा रही है सदाबहार अभिनेत्री रेखा की खूबसूरत अंदाज की, वहीं दूसरी ही तरफ रेखा की खूबसूरत अंदाज से लेकर हाल ही में जब चर्चा हुई रेखा की तारीफों को लेकर, तारीफों के पुल बांधने वाले साउथ के एक सुपरस्टार की, तो उन्होंने तारीफ करते करते रेखा को अपनी पत्नी कहकर हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, सुनकर आपको होगी हैरानी, लेकिन यह सच है। रेखा से एक साल उम्र में छोटे हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की, जिन्होंने रेखा को अपनी पत्नी कह दिया। दरअसल उनका कहना ये था कि वो अपनी पत्नी सुरेखा को रेखा कहकर पुकारते हैं। रेखा के इतने बड़े फैन हैं चिरंजीवी कि उन्होंने हमेशा ही रेखा ही सुरेखा को माना, यानी कि अगर उनके बस में होता तो रेखा से वो शादी कर लेते। फैन बॉय मोमेंट शेयर करते हुए चिरंजीवी ने हाल ही में रेखा को कैसे पत्नी कहकर उनके लिए अपने प्यार का इजहार किया, हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा को लेकर चिरंजीवी ने जब 17 नवंबर की तारीख को अन्नपूर्णा स्टूडियो के प्रेस्टीजियस ANR नेशनल अवार्ड समारोह के दौरान जब उन्होंने अपने हाथों से अवार्ड, इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में बड़ा योगदान साउथ इंडस्ट्री को देने वाले तमाम स्टार्स के बीच रेखा को दिया, तो रेखा की तारीफ में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे हमेशा लोग याद करेंगे। हमेशा ही कहा जाता है कि रेखा जो मांग में सिंदूर लगाकर, बालों में गजरा सजाकर, दुल्हन जैसे श्रृंगार कर, पूरी मेकअप के साथ भारी कांजीवरम साड़ी में पहुंचती है वो हर जगह। कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी के हर राज को छुपाती हैं। कोई है जिनके नाम का सिंदूर वो लगाती हैं। अब रेखा किनके नाम का सिंदूर लगाती है ये तो समझना मुश्किल है, लेकिन रेखा के मांग में सिंदूर को अपने लिए बताते नजर आए चिरंजीवी, जब चीफ गेस्ट बनकर मेगा स्टार चिरंजीवी ने किया रेखा के लिए अपने प्यार को याद। रेखा बैठी थी ऑडियंस के बीच और रेखा की तारीफ में चिरंजीवी ने उनकी तारीफ में जो शब्द कहे उसे सुनकर रेखा भी शर्मा गई। रेखा इस मौके पर ये तारीफ सुनकर भावुक भी हुई, जो कि नजरें चुराती नजर आई, नीचे झुककर शर्माती नजर आई। तब वहां पर तमाम बॉलीवुड से लेकर साउथ के बड़े दिग्गज शामिल थे, और इस मौके पर रेखा के लिए चिरंजीवी का ये फैन बॉय वाला मोमेंट शेयर करना हर किसी को हैरान भी कर गया।
दरअसल चिरंजीवी ने अपने एसोसिएशन की बात की अक्किनेनी नागेश्वरा राव के साथ और उन्होंने कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स को भी शेयर किया। इसी मौके पर जब लेजेंडरी एक्ट्रेसेस की तारीफ हुई तो यहां पर रेखा ने भी जमकर हवा हवाई क्वीन की तारीफ की थी। खैर यहां पर रेखा की हार्डकोर फैन कैसे चिरंजीवी खुद को बताते नजर आए इसके बारे में शायद आपको भी मालूम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा वेजिटेरियन एक्ट्रेस रेखा को हमेशा ही वो अपनी पत्नी रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्टेज आ गया जब रेखा के फैन होने के साथ उन्होंने एटर्नली उनकी खूबसूरती को अपने दिल से लगाया और अपनी पत्नी का नाम सुरेखा होने के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी को कभी सुरेखा नहीं किया और फॉन्डली वो अपनी पत्नी को रेखा कहती थी, कहते हैं क्योंकि जो एडमायरेशन उन्होंने एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के लिए हमेशा बनाए रखा है वो उसे कभी कम नहीं कर पाए। ये राज उन्होंने आज तक किसी के सामने शेयर नहीं किया था, ना तो अपनी पत्नी को ये सच उन्होंने बताया था कि क्यों आखिर वो अपनी पत्नी सुरेखा को रेखा कहते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने इस राज को खोलते हुए रेखा के पति खुद को बताते हुए चिरंजीवी ने जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया, ऑडियंस के बीच यहाँ हंसी के ठहाके तमाम सितारे लगा रहे थे और क्यूट मोमेंट के विटनेस वहाँ रेखा मुस्कुराते भी बनी, जो कि तेलुगु फिल्मों में अपने जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाती नजर आई। तमिल फिल्मों में काम कर चुकी रेखा को तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में बड़ा योगदान के लिए हमेशा ही याद किया जाता है। इस मौके पर चिरंजीवी ने रेखा के लिए जो बातें शेयर की उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि रेखा यहाँ पर अवार्ड रिसीव करने के साथ जिस तरह से तारीफें लूट रही थी सभी ये देखते ही रह गए थे। 65 साल की उम्र में 64 साल के चिरंजीवी का ये प्यार पाकर रेखा ने हर किसी को यहाँ हैरान कर दिया। खैर यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से रेखा ने अपने अहम योगदान से साउथ इंडस्ट्री को और सम्मानपूर्वक हमेशा ही देखा है, उस रेखा की जिंदगी में आज भले ही कोई जीवन साथी ना हो लेकिन जिस तरह का प्यार ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि साउथ इंडस्ट्री में उन्हें मिलता है, उन्हें आज अपनी जिंदगी में तन्हाइयों के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर भी तमाम चाहने वालों का प्यार पाकर वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करती। तमाम एल्बम से लेकर बड़ी फिल्में करने वाली रेखा की अगर साउथ फिल्मों की बात की जाए तो रेखा ने साउथ में तमाम फिल्में की थी। जी हाँ, बहुत छोटी थी रेखा जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। घर की तंगी के कारण रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। रेखा के बारे में बात की जाए तो रेखा ने ना सिर्फ तमिल फिल्मों में काम किया बल्कि छोटी उम्र में रेखा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस उभर कर भी निकली। रेखा की माँ भी एक्ट्रेस थी, रेखा के पिता भी फिल्मों से ही जुड़े थे, इसी कारण भानु रेखा गणेशन के नाम से हमेशा लोगों से दूरी बनाने वाली रेखा ने सिर्फ स्टेज नाम रेखा से अपनी पहचान बनाकर रखा। आज भी साउथ इंडियन एक्ट्रेस के रूप में रेखा को हमेशा सम्मान ही मिला है। पद्मश्री से सम्मानित रेखा के बारे में आपको मालूम हो ना हो लेकिन रेखा ने साउथ इंडियन फिल्मों में जिस तरह से अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल से लोगों को दीवाना बनाया, अपने जमाने में रेखा ने तमाम ऐसे फिल्में की जिसे आज भी याद कर लोग उनकी सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही करते हैं। जी हाँ, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों के बीच साउथ जगत के सुपरस्टार मेगा स्टार चिरंजीवी को लेकर। चिरंजीवी रेखा को अपनी जिंदगी में आज भी अपनी पत्नी के रूप में देखते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी सुरेखा को रेखा ही कहते हैं, ये आपने सुना। इसी के साथ आपने जाना कितना खास है चिरंजीवी और रेखा के बीच ये फैन मोमेंट वाला प्यार। वक्त हो गया है आपसे अब यही इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर। देखते रहें तब तक के लिए आप नेक्स्ट 9 न्यूज। लेकिन हाँ,
अगली बार जल्द लौटेंगे आपके बीच फिल्मी दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के साथ, तो देखते रहे और बॉलीवुड की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।